अगर आप अपने जीबोर्ड से वॉइस टाइपिंग करते हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार का एरर आता है, तो आप इसे फिक्स कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जीबोर्ड से कोई भी वॉइस टाइपिंग करते हैं, मैंने इसे टाइप किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का एरर यहाँ पे दिख रहा है, नो परमिशन टू इनेबल वॉइस टाइपिंग, ठीक है। तो इसे फिक्स कैसे करना है, वो अपने मोबाइल के सेटिंग पे चले जाना है, ठीक। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स पे जाना है, ऐप्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स या किसी किसी मोबाइल में ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपको उस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको कोने में दिखेगा थ्री डॉट लाइन, आपको उस पर सिंपली टैप कर देना है। देन आपको शो ऑल ऐप्स पे टैप कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है जीबोर्ड, जीबोर्ड, ठीक है। हमारे यहाँ पे जीबोर्ड आ गया है, तो आपको यहाँ पे सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे यहाँ पे माइक्रोफोन्स का, माइक्रोफोन्स पे क्लिक कर दीजिएगा, इसे आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे टिक लगाया और ये अलाउ हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जीबोर्ड काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। फिर से हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ जीबोर्ड ओपन किए, अब यहाँ पे वॉइस टाइपिंग करके देखते हैं कि ये हमारा वॉइस टाइपिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद चेक करते हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा वॉइस टाइपिंग काम कर रहा है, अभी प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्योंकि आपको ज़रूरत व्हाट्सएप पे नहीं कर पड़ेगा, आप माने सेटिंग पे क्लिक करते हैं और सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए आप जीबोर्ड का सहारा लेते हैं, जीबोर्ड वॉइस टाइपिंग का। तो आपको सिंपली इस पर टाइप करके आपको जो भी चीज़ सर्च करना है, मान लें ऐप आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे और वो चीज़ वहाँ पे वॉइस टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। ये इनेबल करने से ये बेनिफिट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।